नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मीत कुमार और मैं मरेंगो एशिया हॉस्पिटल गुड़गांव एवं फरीदाबाद में हिमेटोलॉजी एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कार्यरत हूं। आज हम लोग बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में। बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यों कराया जाता है, इस बातों पर चर्चा करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी व्यक्ति जिसका बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रहा, खून ठीक से नहीं बन पा रहा, उस व्यक्ति को किसी और व्यक्ति का या खुद का इम्यूनिटी के सेल्स को लेकर के या स्टेम सेल्स को लेकर के उस बीमारी को ठीक करने की पद्धति को कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। क्या ये कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट है? नहीं, ये सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अंदर ना किसी को ऑपरेशन थिएटर में जाना होता है, ना ही कोई छुरे चाकू का यूज़ होता है। ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसके अंदर दवाइयाँ यूज़ होती हैं और स्टेम सेल्स यानी कि एक प्रकार का ब्लड यूज़ होता है। दो प्रकार के होते हैं, ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट का मतलब होता है यदि मुझे लिम्फोमा है, मल्टीपल मायलोमा है, न्यूरोब्लास्टोमा है, इस प्रकार की बीमारियों के अंदर ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिसका मतलब है कि मेरे ही स्टेम सेल्स को पहले मैं कलेक्ट करूंगा। कलेक्ट करने का एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसे स्टेम सेल एफेरेसिस कहते हैं। 4 दिन के लिए GCSF के इंजेक्शन लगाए जाते हैं स्किन के अंदर। 5वें दिन पर स्टेम सेल कलेक्शन किया जाता है जो कि करीबन 4 से 5 घंटे का प्रोसीजर होता है। उस स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया जाता है और उसके बाद एक कीमोथेरेपी का सेशन दिया जाता है जिससे बोन मैरो को खाली किया जाता है। खाली करने के बाद जो स्टेम सेल्स हमने कलेक्ट कर रखे हैं, जो पेशेंट के बीज हमने कलेक्ट कर रखे हैं, वो वापस दिए जाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से और उसके बाद 2 हफ्ते का समय लगता है रिकवरी के लिए। तो इसे कहते हैं ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट, यानी कि खुद के स्टेम सेल से खुद की बीमारी को एक तरह से खत्म करना। दूसरे प्रकार का ट्रांसप्लांट होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। कुछ बीमारियों के अंदर खुद के स्टेम सेल से बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर्स जैसे अक्यूट ल्यूकीमिया, अक्यूट माइलोइड एवं लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। तो इस प्रकार के अलग अलग बीमारियां होती हैं जिसके लिए एलोजेनिक ट्रांसप्लांट यूज़ किया जाता है। उसका क्या मतलब होता है, किसी डोनर से हमने स्टेम सेल या उनके बीज लेने हैं और किसी पेशेंट की उस बीमारी को ख़त्म करना है। जो डोनर होते हैं उसकी इम्यूनिटी को यूज़ करके पेशेंट की बीमारी को ठीक करने को एलोजेनिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ से हम लोग, जिस सोर्स से हम लोग स्टेम सेल लेते हैं वो फुल मैच ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं, जिसे मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट कहा जाता है। ब्रदर या सिस्टर या पेरेंट्स के अंदर हाफ मैच हो सकता है, उसे हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट कहा जाता है। कभी कभी जब ये दोनों सोर्सेज ना हो तो हम लोग कुछ रजिस्ट्रीज से फुल मैच वाले डोनर से स्टेम सेल लेकर के ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसे मैच्ड अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट कहा जाता है। तो मूलतः इतने प्रकार के ट्रांसप्लांट होते हैं। मूलतः हम ये मानते हैं कि करीबन 60-70% संभावना होती है कि जो भी बीमारी से इंसान ग्रसित है, मरीज ग्रसित है, उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके ठीक किया जा सकता है। अपने उसके कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होते हैं, बट कॉम्प्लिकेशंस का चांस ठीक होने के चांसेस के मुकाबले में कम होता है, यानी फायदा होने की संभावना ज़्यादा होती है और रिस्क होने की संभावना कम होती है। उसी व्यक्ति को बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसी एक अच्छे बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन एडवाइस करते हैं। तो इस बीमारी के बारे में और जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।